देखिए, विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हक में 10 सीटें पूरी देश में मिली है इस बार, और उस 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नाम प्रस्तावित किए हैं जो चुनाव लड़ेंगे। उस पर स्वाभाविक है कि बहुत सारे इच्छुक होते हैं और सभी का समाधान करना असंभव होता है, चाहे MLC का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का टिकट हो, बहुत सारे इच्छुक होते हैं, एक ही को टिकट मिलता है। और इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो राज्यसभा के सभागृह में एक मजबूती से कौन काम कर सकेगा, और दिल्ली में AICC का जो सचिवालय है, जो AICC का कार्यालय, उसमें फुल टाइम काम करने के लिए कौन काम करेगा। ये दो चीज़ें देखी जाती है। उस परिप्रेक्ष्य में ये कुछ नाम सामने आए हैं। अब कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा, सभी का समाधान तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में अगर हमें देखा जाए तो मैं, जैसे महाराष्ट्र विदर्भ के हमारे नागपुर एरिया के हमारे साथी मुकुल जी वासनिक को उस पर रखा गया है, लेकिन उसमें एक ही विरोधाभास है कि वो महाराष्ट्र से क्यों नहीं बने और किसी और को, बाहर के राज्य के व्यक्ति को महाराष्ट्र का प्रत्याशी बनाया गया है। मैंने कल मुकुल जी का अभिनंदन किया, तब उनसे बात की कि आप अभी भी जाके बताइए कि सिर्फ अदला बदली करने की बात है, आप महाराष्ट्र से पर्चा भरिए और उनको दूसरे राज्य से भेजिए। और मैंने अपनी तरफ से भी नेतृत्व को लिखा है कि भी अच्छा होगा कि मुकुल जी का संबंध इस एरिया से रहा है, अगले 6 साल में अगर सांसद बने रहेंगे तो सांसद दीदी होता है, नागपुर के कॉरपोरेशन के चुनाव है, आगे चुनाव है, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका संबंध टूट जाएगा, वो राजस्थान से मिल रहे हैं। तो एक ये मैंने जरूर मैंने रखा गया है। दूसरा एक दूसरी मैंने बात जरूर रखी है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सारे के सारे प्रत्याशी बाहर के राज्यों के हैं। अब उसमें शायद बदलाव करना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से नेतृत्व की तरफ ये जो सबने बताया होगा, आपने भी सबने नोट किया होगा, अगर कुछ बदलाव पॉसिबल है तो अच्छा रहेगा। सर, ये आपने मुकुल जी को बताया कि लीडरशिप रोल है जी, ये जो आपने सजेशन, मुकुल जी को तो मैंने बताया है, मैं अपने आप मैंने लिख के बोला। एंड यू आल्सो सेड इट टू द लीडरशिप। या आई रोट टू लीडरशिप, माय कंसर्न्स, दैट्स ऑल। अब शायद अभी देर नहीं हुई, ऐसे मैं मानता हूँ कि कल का दिन अभी है, तो हो सकता है अगर चाहे तो, लेकिन फिर भी समय बहुत कम है। नहीं नहीं, असं नाही पण राज्यसभेची निवडणूक ही ओपन निवडणूक असते, त्यामुळे तसा धोका कोणाला नाही आहे। आणि बिलकुल मनातून काढून टाका की त्यामुळं असा बदल झाला, कारण काय आहे की क्रॉस वोटिंग करता येत नाही, त्यामुळे जो प्रत्याशी किंवा जो उमेदवार आपण दिला असेल राज्यसभेला तो निवडून येतो, अन्यथा जो चुकीचं, कारण वोट करताना दाखवून वोट करावं लागतं, तसं काय होणार नाही। नाही होऊ शकतो ना, म्हणजे टेक्निकली होऊ शकतो, कारण ते पुन्हा तिकडे अर्ज भरतील ना, इथला काढून घेतील, आणि मुकुलजी तिथला काढून घेतील, इथं भरू शकतील। आता ते माझं म्हणणं आहे ते होईल का नाही मला माहिती नाही, पण मी आपली एक माझी स्वतःची भावना नेतृत्वाप्रती कळवलेली आहे। अरे ते आता राज्यसभाचं बोलली छोड नंतर, राज्यसभा संपलं नाही, राज्यसभा आहे का नहीं, दूसरा तो हो गया। किसी अन्य राज्य से लड़े तो क्या, यदि वो राजस्थान से लड़ते हैं तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के प्रति क्या उनकी रुचि कम हो, जिस प्रकार आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ, क्यों, महासचिव है, महासचिव पार्टी का, महासचिव पूरे भारत का रहता है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते, तो क्या असर पड़ेगा? ऐसा नहीं लग रहा की राजस्थान में चुनाव है, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने वहाँ पे भेजा है। देखिए, इसमें आप फर्क सोचिए, AICC का जो काम होता है वो आपने सही बताया है कि जो महासचिव होते हैं उनके किसी राज्य की या किसी विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ से आप, चाहे वो MP हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकुल जी अभी भी तो है, कई राज्यों के प्रभारी शायद है वो, तो वो हमारा तो विदर्भ की जनता की ओर से, महाराष्ट्र की जनता की ओर से कहना है कि देखिए, एक छोटी सी बात है, 5 करोड़ का विकास निधि मिलता है, वो यहाँ खर्च कर सकते, अब नहीं कर सकते, वो राजस्थान में करना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय इकाइयाँ हैं, अपने कॉरपोरेशन के चुनाव है, बैठ के भी कुछ मदद कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अब वो जयपुर का चुनाव होगा तो वहाँ जाएंगे, तो यही हमारी अपने स्वार्थ की बात है,
महासचिव पद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। चाहे वो एमपी हो या ना हो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।